नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ एंड यू चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे तीन ऐसे बड़े बदलाव जो आते हैं आपके स्थानों में और जिन्हें देख के, जिन्हें समझ के आप ये पता लगा सकते हैं कि इस समय पे आपके घर में एक लड़का पल रहा है या एक लड़की पल रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन तीनों बदलाव के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या बदलाव आपको इस समय पे देखने को मिलेंगे और आप कैसे थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं बच्चे के जेंडर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले साइन की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो महिला के जो स्तन है उनके जो आसपास का जो रीजन होता है निपल के अराउंड, वो बहुत ही गाढ़े गहरे रंग में हो जाता है। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है, अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है, तो माना जाता है कि घर में इस समय पे एक लड़का पल रहा है। इसी के विपरीत अगर रंग जो है गाढ़ा तो हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है, तो ये माना जाता है कि घर में एक लड़की पल रही है। दोस्तों दूसरी निशानी ये है कि कुछ गर्भवती महिलाओं को इस समय पे अपने स्तनों से दूध का रिसाव जैसा महसूस होगा। ये दूध ही होता है, इसका जो है रंग थोड़ा सा आपको पानी की जैसा महसूस भी हो सकता है। दोस्तों अगर आपको दूध जैसा कोई रिसाव अपने स्तनों से होता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में एक लड़की पल रही है। और इसी के विपरीत अगर आपको ऐसा कोई रिसाव महसूस नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में एक लड़का पल रहा है। तीसरा और दोस्तों अंतिम जो बदलाव है आपको देखने में मिलेगा स्तन में, वो ये होगा कि आपके दोनों स्तनों के जो साइज है उनमें अंतर आ जाएगा। तो यदि आपका दायां स्तन बाएं स्तन से ज्यादा भारी हो चुका है या ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसका मतलब होता है कि आपके घर में एक लड़का पल रहा है। और वहीं आपको अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव ना दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में एक लड़की पल रही है। दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको चेंजेस और बदलाव बताए हैं, ये आपको जो है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी समय पे आपके शरीर में चेंजेस आते हैं जेंडर से रिलेटेड। और दोस्तों ये जो भी मैंने आपको बात बताई है, ये जो है एक्सपीरियंस के आधार पे है, पुराने समय से ये जो है आकलन की जो तरीके हैं उनके ऊपर आधारित है। ऐसा कहीं पे कोई साइंस की किताबों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ओल्ड वाइव टेल्स है, तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 100% सही होती है। ये सही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इनको सिर्फ आप एक मनोरंजन मात्र समझें, तो कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि ये 100%। तो दोस्तों आप भी अनुमान लगाइए, आप भी गेस करिए, और जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा, या अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये निशानियां जो है काम करती हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, इनकी वैलिडिटी भी हो जाएगी और लोगों को भी हेल्प मिलेगी। और जहां दोस्तों आज के जमाने में लड़का लड़की समान है, तो कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है कि लड़के हैं या लड़की हैं, दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही समाज में काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कमेंट के माध्यम से मन में कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन अवश्य प्रेस करें, और साथ ही में अगर लाइव एंड में पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगामी वीडियो का संदेश एकदम सही समय पर मिल सके और आप गर्भावस्था से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न करें। ख्याल रखिए दोस्तों अपना, मिलते हैं ऐसी ही अन्य प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।